महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई उनके अपनों की खातिर। एनसीपी और कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले उद्धव ठाकरे अपनी खुद की पार्टी को नहीं संभाल सके और इन सब के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में रही तो शिवसेना डूब जाएगी। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अभी फिलहाल रश्मि ठाकरे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे राजनीति के लिहाज से अपने पति का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ये बात आप सब जानते हैं। दबी जुबान से शिवसेना के कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है रश्मि ठाकरे को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। आपको बता दें, रश्मि ठाकरे के सक्रिय राजनीति में आने की रणनीति कोई और नहीं बल्कि तैयार कर रहे हैं शरद पवार। अब शरद पवार हैं जो एक बार फिर से बिखरी हुई शिवसेना को एकजुट करने के लिए पैंतरे आजमाएंगे। शरद पवार हैं जो बिखरी हुई शिवसेना को एकजुट करने के लिए एक के बाद एक रणनीति बनाएंगे। उन्हीं रणनीतियों में से एक रणनीति रश्मि ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी देने की होने वाली है।